Alaikum dear students, I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be safe by the grace of Allah. Now, let's start our today's lecture from previous chapter, 7 Wonders of Ancient Verse. Today we part C, D. ई एंड एफ करना है यानी कि आपने आज से बुक वर्क ही करना है कॉपी वर्क आप इसका कंप्लीट कर चुके हो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमने इस चैप्टर की थोड़ी रीडिंग कर ली है ओके क्लास तो अपनी बुक्स ओपन करें सी पार्ट देखें कंप्लीट द टेबल आपने ये टेबल कंप्लीट करना है विद द नेम ऑफ द वर्ंडर्स लोकेशन बिल्ड इन डिस्ट्रॉयड रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ये आपने तमाम सेवन के सेवन वंडर्स की आपने नेम सबसे पहले बताने हैं देन आपने उनकी लोकेशन बतानी है कि वो हैं किस जगह पर यानी कि वो थे किस जगह पर फिर वो कब बिल्ड हुए यानी कि वो ईयर जिसमें उनको बिल्ड किया गया फिर और वो ईयर जिसमें वो डिस्ट्रॉय हो गए और नंबर लास्ट में आपने क्या बताना है रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी उनकी रीज़न क्या थी उनकी डिस्ट्रक्शन की उनकी तबाह होने की रीज़न क्या थी द स्टेचू ऑफ ज़ीउस द कॉलसेस ऑफ रोड्स द रोड द लाइटनेस ऑफ हाउस ऑफ एक्जेंड्रिया द टेम्पल ऑफ अर्टमिस द हैंगिंग गार्डन ऑफ अबेलन द ग्रेट पैरामिड ऑफ़ गीजा तो क्लास आप इसमें सब में देख सकते हैं कि आपको लोकेशन बताई गई है आपको बिल्ट इन बताया गया है जबकि द ग्रेट पैर पैरामिड ऑफ गीज़ा ये स्टिल अभी तक मौजूद हैं इसलिए ना इनका डिस्ट्रा डिस्ट्रक्शन हुआ है और ना ही इनकी कोई रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगी बाकी तमाम की आपने ये लिखनी है और इसको अच्छे से याद भी करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच प्लेस बिल्डिंग और मोमेंट वुड यू रिकमेंड फ्रॉम पाकिस्तान टू वंडर ऑफ द वर्ल्ड गेव रीजन तो आपने ये बताना है के पाकिस्तान से रिलेटेड आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सा वंडर है जिसको द वंडर ऑफ वर्ड्स में शामिल करना चाहिए तो इसका आंसर देखें द क्रॉकरम हाई वे इज़ वॉच रिमेन ये जो क्रॉकरम हाई वे है क्रॉकरम हाई वे वो है जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिला रहा है जो रोड पाकिस्तान से चाइना जाती है और ये रोड पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है ये सबसे बड़ी रोड है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है इसकी लेंथ कितनी है फोर सिक्स नाइनटी थ्री मीटर्स ठीक है इस वजह से इसको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल करना चाहिए बिकॉज ऑफ इस हाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आल्सो गिव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम, सच एज लोकेशन बिल्ड इन पर्पस ऑफ बिल्डिंग एसेक्ट्रा सो so क्लास जो आपका चैप्टर था ये है एशियन वर्ल्ड के सेवन वंडर्स के बारे में जबकि आपने इस क्वेश्चन में मॉडर्न वर्ल्ड के सेवन वंडर्स के बारे में बताना है एशियन वर्ल्ड के वंडर्स तो ख़त्म हो चुके हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के वंडर्स अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं तभी तो वो मॉडर्न वर्ल्ड के वंडर्स हैं ना तो आपने अभी उनके नाम बताने हैं तो चीचन एजा चीचन एजा एक शहर का नाम है जो कि मेक्सिको में आबाद था ये देखें इस तरह की बहुत सारी इमारतें मौजूद थी इस शहर में ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था और बल्कि है लेकिन ये मेक्सिको के एक सूबे में आके आबाद हुए ये लोग और ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है शर... तेज़ दिमाग भी थे लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जालिम भी थे इनके बहुत ज़्यादा अपने ही कोई जो है ज़ालमाना असूल थे इसके अलावा ये जो चिचन एज़ा इसका लफ्जी मतलब है पानी के कुएं का समूह या पानी के कुएं का सिरा तो जो एज़ा है ये एक पानी का जादूगर इसका बेसिकली मीनिंग है एज़ा पानी का जादूगर का नाम था तो ये चीचन एज़ा उसके नाम की एक पूरा शहर बनाया गया यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई इस तरह की यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की की गई यहाँ की इकोनमी स्पेशली बहुत ज़्यादा मार्केट इनकी जो मंडी थी बहुत ज़्यादा इनकी फ़ेमस थी और बहुत ही मकबूलियत की हामिल थी क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते थे, थे कि यहाँ आके वो जो है इस शहर को देखते थे लेकिन यहाँ के लोगों का जो जालमाना तौर तरीके थे उनकी वजह से वो लोग तबाह हुए स्टिल इनका जो अभी तक आसार जो हैं इसकी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं बहुत ज्यादा आबादें हैं जो तो तबाह हो चुकी हैं यहाँ की लेकिन ज्यादातर अभी तक मौजूद है और ये आपका जो फर्स्ट है मॉडर्न वर्ल्ड का वंडर ये चीचन एज्जा ये मेक्सिको के एक सूबे में आबाद हुआ इसकी बिल्ड इन 600 एडी यानी कि ये 600 एडी में इसको तामीर किया गया और प्रॉपर बिल्डिंग थी इसकी एस्ट्रोन एस्ट्रोनिकल सो नेक्स्ट है ताजमहल ताज महल का आप सबको पता है ये इंडिया में मौजूद है 1632 में इसको बनाया गया सो so, इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ताजमहल को शाहजहाँ ने एक मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बीवी की याद में और उसकी बीवी जिसका नाम मुमताज़ महल था बहुत ही ज़्यादा उसकी पसंदीदा बीवी थी तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि यहाँ एक ऐसा महल बनवाया जाए जिसकी जो कि अपनी मिसाल आप हो और उससे पहले ऐसा महल ना बना हो तो शाहजहाँ ने इसका जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसको महल को बनवाया जिस सुबह के टाइम सूरज निकलता है तो ये लाइट पिंक कलर का हो जाता है जबकि दिन के टाइम ये लाइट ये ग्रे कलर का होता है और शाम को ये हल्का सुनहरी हो जाता है तो इस तरह का इसमें पत्थर और इस तरह की इसकी जो डेकोरेशन की गई वो इतनी खूबसूरत अंदाज में की गई थी कि ये महल आज तक अपनी मिसाल आप है और इसको आज तक कोई नुकसान भी नहीं पहुंच सका और ये बेहद एक खूबसूरत जो है जगह है और यहाँ पे बेहद टूरिस्ट आते हैं नेक्स्ट इज़ क्रिस्ट द रेडी ये एक मुजस्मा है जो कि हज़रत अलैहिस्सलाम की याद में बनाया गया ब्राज़ील के एक शहर में ये मुजस्मा बनाया गया ये एक इंतहाई बुलंदी पर और बहुत ही ज़्यादा बुलंद मुजस्मा है जिसका मुंह शहर की जानब है और इसके हाथ ऐसे फैलाए गए ऐसे लग रहा है जैसे कि सलाम सबको अपनी तरफ़ बुला रहे हैं यानी इसको ये बनाने का अंदाज़ और ये उन्हीं की याद में इस तरह से बनाया गया एक जब ब्राजीन जमहूरिया बना तब इसको बनाया बनाया गया पहले इसके जो है बहुत ज़्यादा और तरह की डिज़ाइन इसके बारे में सोचे गए थे लेकिन एंड में आके ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर इस तरह की एक इस्लामिक याद को बनाया जाए और ए, उसके बाद ये अभी आज तक ये एक बहुत ही इंतहाई खूबसूरत जगह है यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं और इस जगह को देखते हैं इसलिए इसको सेवन वंडर्स में शामिल किया गया क्योंकि ये एक इंतहाई खूबसूरत और और बहुत ज़्यादा दिलकश नज़ारा जो है ना पेश करता है नेक्स्ट इज़ कोलिजियम ये एक बिल्डिंग है जो कि इटली में वाक़ है क्लास ये इमारत जो आप देख रहे हैं इसे कॉलेजियम ऑफ रोम भी कहते हैं और ये इटली में फिल इटली में वाक़ है और ये 2000 साल पुरानी इमारत है इसको अजयबात में शामिल करने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़े जुल्म की एक बहुत बड़े फसाद की जो है ना ये नुमाइंदगी करती थी इसको सेवेंटी एट डी में बनाया गया जबकि यहाँ इसको बनाने का मकसद क्या था यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल मतलब खेल और तमाशे वग़ैरह खेले जाते थे जब इस बिल्डिंग का अफ्त हुआ तो इस दौरान जो है ना सौ दिन तक इसका जश्न जारी रहा और उस जशन में हज़ारों लाखों लोगों की जाने गई किस तरह क्योंकि यहाँ के जो खेल हुआ करते थे वो इंतहाई जुल्म और इंतहाई जबर पर मबनी थे तो क्लास यहाँ ये था इनके खेलों का मेन जो इनका पॉइंट था वो ये था कि ये दो इंसानों को या फिर इंसानों को जानवरों से लड़ाते थे और फिर या तो जानवरों का मर्डर हो जाता था या फिर इंसानों का मर्डर हो जाता था तो ये यहाँ की इस ये जो बिल्डिंग है ये एक इंतहाई ख़ूबसूरत तरीके से बनाई गई थी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी लेकिन यहाँ पर यही खूनी तमाशे हुआ करते थे और यहाँ हज़ारों इंसानों की बेगुना जान गई नेक्स्ट इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में एक वॉल है जो कि इंतहाई लंबी है जो जिसने ऑलमोस्ट पूरे चाइना को अपनी लपेट में लिया हुआ है इस वॉल की तमीर चाइना के पहले शहन शाह ने करवाई थी और स्टार्ट करवाई थी और 700 हंड्रेड बी सी यानी कि कबल मसीह में ये स्टार्ट हुई और फिर ये इंतहाई लंबी यानी कि सबसे लंबी दुनिया की सबसे लंबी दीवार है जिसने पूरे चाइना को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये अब भी इतनी मजबूत है इसकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि आज तक ये इतने सालों के बाद भी अपनी बुनियादों पर यह कायम है और मौजूद है हाँ थोड़ी बहुत ही जगह जगह से ये टूट चुकी है जज्लों की और तूफ़ानों की वजह से लेकिन स्टिल ये अपनी जगह पर पर अभी तक मौजूद है नेक्स्ट इज माचू पिचू यह एक बिल्डिंग है एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन जो कि 150 सौ पचास इमारतों पर मुश्तमल है लेकिन इस शहर की एक खासियत यह है कि यह कुछ खंडरात पर मुश्तम है खंडरात हैं लेकिन ये आज तक कुछ ये नहीं पता लगा सका कोई कि ये एक शहर बनाया किस लिए गया था और इसको इसी तरह से वीरान क्यों छोड़ दिया गया इस हकीकत के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं मालूम हो सका लेकिन ये एक इंतहाई खूब अपनी बनावट के लिहाज से इंतहाई खूबसूरत है तो इस वजह से इसको जयबात में शामिल किया गया है लेकिन ये साथ साथ बहुत ज़्यादा पर इसरार भी है और पर इसरार क्यों है क्योंकि ये इसकी मौजूदगी की वजह या इसके बनाने की वजह और फिर ऐसे विरान छोड़ देने की वजह किसी को भी नहीं मालूम हो सकी इसलिए ये काफी ज्यादा पुरस्ार भी इसे कहा जाता है और नंबर लास्ट है आपका जी पेट्रा पेट्रा का शहर एक बहुत ही बड़ा शहर था और बेहद ही खूबसूरत शहर था ये एक कंट्री का नाम है के में एक सूबा था जिसमें ये शहर आबाद हुआ इसकी ख़ूबसूरती की वजह क्या है कि ये चट्टानों को तराश कर बनाया गया ये शहर बेहद ख़ूबसूरत और बेहद ही बड़ा था और अपने दौर में कि डायमंड से भी तशबीर रखता था क्योंकि यहाँ पर इसको चट्टानों को तराश कर इस शहर को बनाया गया था 312 ट्वेल्व बी में बनाया गया और रॉक कट सिटी इसको कहा जाता है यानी कि चट्टानों को काट कर इसको बनाया गया इस पूरे शहर की तमीर सिर्फ और सिर्फ चट्टानों पर ही की गई थी सो so, ये आपके सेवन वर्ड्स ऑफ मॉडर्न वर्ड्स थे तो ये आपने अब इनको आ, समझ के अच्छे से याद करना है और अपनी बुक पर ही इसको फिलअप कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम से पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेवन वर्ंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आल्सो गिव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम सच एज लोकेशन बिल्ड इन पर्पज ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा अब आपने नेक्स्ट सेवन पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेवन वर्ंडर्स आपने बताने हैं यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो से वर्डर्स हैं ना उनके आगे से आपने पार्टिसिपेंट्स बताने हैं यानी कि नंबर फर्स्ट इज़ Acropolis ऑफ Athens. Acropolis ऑफ Athens ये एक अमारा है बहुत आ, सारे पेयर्स पर और बहुत सारी डेकोरेशन पर मुश्तमिल ग्रीस में ये अमारत है 447 में ये बनाई गई थी नंबर सेकेंड इज Alhambra. अलहब्रा ये एक ये भी एक अमारत जो कि स्पेन में बनाई गई वन थर्टीन हंड्रेड थर्टी थ्री ए डी में पैलेस एंड फोर्ट्रेस ये इसका पर्पज़ क्या था ये एक पैलेस था और फोट्रेस था नंबर थर्ड इज़ एंकोर्ट एंकोवर्ट ये चम्बो चम्बोडिया में वाक़ है और ये एलेवन हंड्रेड थर्टी ए डी में बनाया गया ये एक टेम्पल है जो कि एक बेहद ख़ूबसूरत और एक बेहद दिल्क है जिसको सात अजायबात में शामिल किया जा सकता है नेक्स्ट इज़ एफ़िल टावर ये फ्रांस में वाक़ है 1887 में इसकी तमीर की गई और ये एक मोनोमेंट के तौर पर इसको बनाया गया हाजिया सोफ़िया ये तुर्की में वाक़ है और थ्री सिक्सटी में बनाया गया ये एक मॉस्क है मस्जिद सोफ़िया के नाम से भी और नाव यह म्यूज़ियम मुण, है टर्की में वाक़ ये एक मस्जिद बेहद ख़ूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर बहुत सारे सयाह आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए और ये लेकिन आज कल ये बहुत ही बड़ा टर्की का एक म्यूज़ियम है नेक्स्ट है आपका डेरा क्यों मुझे तो दे रहा है? ये एक टेंपल है एक ये जो है ना बुदिस्ट टेंपल है जिसमें इबादत की जाती थी और ये जापान में वाक़ है 1633 थर्टी में इसको बनाया गया नेक्स्ट इज़ मोही मोही ये चाइल में वाक़ है और 1250 फिफ्टी में इसको बनाया गया जबकि ये एक जो साइट ये कहते हैं नज़ारा को यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव है तो इसलिए इसको भी जो है ना सेवन वंडर्स का इसको भी पार्टिसिपेंट कहते हैं ना कि उनका साथ देने वाले यानी कि सेवन वंडर्स तो हैं ही हैं लेकिन उनके अलावा भी ये भी एक बहुत ही ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश अजय बात है सो क्लास ये आपको जो है ना जो, आ, जो काम दिया गया है ये आपने अपनी बुक पर करना है और यह आपका सारा बुक वर्क है लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से याद करके आना है ओके क्लास हाफिज़